Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. Today I am at Yamaha Shri Ganesh Automobiles जो कि निरसा में है and यहाँ से मैं pick करने वाला हूँ MT-15 and then हम लोग ride करने वाले हैं, उसका review and ride review आपके साथ share करेंगे, तो video के end तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बाइक के वॉक अराउंड के साथ। ओके गाइज, सो राइट नाउ आई एम राइडिंग द MT-15 BS6 मॉडल जो कि वाइट कलर में है। दिस इज द स्पेशल एडिशन एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं MT का लोगो। MT मीन्स मास्टर ऑफ टॉर्क, सो दिस बाइक इज रियली अ मास्टर ऑफ टॉर्क एंड ये सब बातें हम लोग राइड करते वक्त करेंगे। बाय द वे, अभी मैं GoPro Hero 5 से शूट कर रहा हूँ, कैसी क्वालिटी आ रही है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब थोड़ी सी शांत जगह पर चलते हैं एंड देन वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं बाइक की। You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks. ओके, सो दिस इज़ द MT-15 जो कि वाइट कलर में है एंड रिम्स आप देख सकते हैं थोड़े ऑरेंज टाइप के शेड में है जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रही है। एंड हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से। तो स्टार्टिंग विद द फ्रंट, आप देख सकते हैं कितना ट्रांसफॉर्मर टाइप का आपको एक लुक मिलता है इसके हेडलाइट में। एंड जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है दैट इज़ बाई फंक्शनल, ये अपर एंड लोअर दोनों काम कर जाती है। एंड आपको पायलट लैम्प्स यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि LED में है, पूरा सेटअप आपको LED में मिलता है। फ्रंट टायर आपको 100 सेक्शन का मिलता है जो कि रेडियल नहीं है, सॉरी MRF जैपर FX है। एंड फ्रंट जो डिस्क है दैट इज़ 300 mm। आई गेस फ्रंट में आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चंकी लग रहे हैं इस बाइक में। टैंक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शार्प है एंड कितना ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है। इस एंगल से आपको समझ में आ रहा होगा बाइक कितनी ज़्यादा वाइड लगती है। इस बाइक में कंट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो स्टिकर्स है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यामाहा का लोगो है एंड देन MT-15 का स्टिकर आपको वहाँ पे मिल जाता है। टेल में आपको यहाँ पे यामाहा का स्टिकर मिल जाता है छोटा सा। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड लुक ऑफ द बाइक, इसमें आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिल जाता है एंड जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। टेल इसका बहुत ही छोटा सा है एंड आप देख सकते हैं पिलियन के लिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है बट राइडर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। टैंक बहुत ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज सच में बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। एग्जॉस्ट आपको R15 से सिमिलर मिल जाता है, बाइक थोड़ी सी गंदी हो रखी है, काइंडली मैनेज विद दैट। एंड आपको इस बाइक में लिक्विड कूलिंग मिलता है, तो आप यहाँ पर रेडिएटर देख सकते हैं। सिंगल चैनल ABS मिलता है, सो यहाँ पर आप सेंसर देख सकते हैं सिंगल चैनल ABS का। पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा वाइड है एंड साथ ही में रेडियल भी है, MRF रेफ Z का टायर है। टेल सेक्शन कुछ ऐसा है एंड टेल लैम्प जो है वो LED में है जो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। यहाँ आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं एक्सटेंडेड जो बहुत ज़्यादा काम के हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन में मिलते हैं, LED नहीं मिलते हैं। एंड साड़ी गार्ड वगैरह बॉक्स सेक्शन का स्विंग आर्म यहाँ पर आपको मिलता है बिकॉज कॉस्ट कटिंग की गई है MT में। नाउ इंजन की बात कर लेते हैं हम लोग एंड देन मीटर की बात कर लेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द इंजन, दिस इज़ अ 155 cc लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 18.5 PS का पावर एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पावर एंड टॉर्क है 155 cc हो के भी। इस बाइक का नेकेड स्पोर्ट्स में कोई भी और कॉम्पिटिटर नहीं है इतना सही। बाकी आप देख सकते हैं FZ भी 150 cc में आती है एंड सुजुकी जिक्सर भी आती है बट इतना ज़्यादा पावर नहीं है उन बाइक्स में। इस बाइक में आपको स्पेशली VVA टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जो कि 7400 RPM के बाद कैम शिफ्ट हो जाता है बड़ी कैम में, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है इस बाइक में। एंड आप देख सकते हैं कभी धूप हो रही है कभी छाव हो रही है, तो बाइक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, थोड़ी सी गंदी हो रखी है बट कोई दिक्कत नहीं। एंड अब बात कर लेते हैं मीटर की। सो मीटर में आपको मिल जाता है नेगेटिव डिस्प्ले, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM, पूरा का पूरा ओडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर एंड फ्यूल लेवल इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम भी मिल जाता है एंड एवरेज फ्यूल कंजम्पशन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ न्यूट्रल इंजन टेम्परेचर एंड इंजन मैल फंक्शन का लाइट, RPM का लाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो मिरर्स की बात कर लेते हैं, मिरर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके डेली राइड में। जो हैंडल बार है वो एकदम प्रॉपर बार हैंडल बार है, सो आपको एक बहुत अपराइट सीटिंग पोस्चर मिल जाता है। अभी मैं आपको बाइक पे बैठ के दिखा देता हूँ। सो बाइक पे मैं बैठ गया हूँ
एंड आप देख सकते हैं कितना अपराइट मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे लेग्स बिल्कुल अच्छे से टक इन कर जा रहे हैं। एंड टैंक की जो मैं बात कर रहा था, टैंक कितना ज़्यादा मस्कुलर है, कितना शार्प है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं एक एमटी को राइड कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ तक मैंने चला के आया, कोई वाइब्रेशंस नहीं, कोई फॉल्स न्यूट्रल नहीं, कुछ भी नहीं, बाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ये बाइक आती है 6-speed गियरबॉक्स के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेती है। तो अब इसको राइड करते हैं एंड देन आपके साथ रिव्यू मैं शेयर करता हूँ। राइड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो हिट लाइक। एंड जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको भी रिव्यू देखना है MT-15 का, प्लीज़ शेयर विद देम। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं राइड रिव्यू। सो इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 2 पे हूँ एंड आई एम राइडिंग द MT-15 BS6। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा कम है। हैंडल बार एंड फुटपेक्स पे थोड़े से वाइब्रेशंस आ रहे हैं एंड आई एम राइडिंग विद अ पिलियन, सो बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही है। मनूवर करना बाइक को बहुत ही ज़्यादा आसान है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो इसका जो व्हील बेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। R1 से थोड़ा सा कम है आई गेस, मुझे स्पेकशीट के बारे में नहीं पता, मैंने स्पेकशीट नहीं देखा इस बाइक का। तो अभी मैं 4th गियर पे राइड कर रहा हूँ 30-35 के स्पीड में। ये हो पा रहा है बिकॉज इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। बाइक का जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, कोई भी फॉल्स न्यूट्रल्स नहीं है एंड जो गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जा रहे हैं। काफ़ी लाइट क्लच है एंड ये भी स्लीपर क्लच की वजह से ही है, बिकॉज इस बाइक में स्लीपर क्लच आपको मिल जाता है। RPM वगैरह सब कुछ आपको इस मीटर में दिख रहे होंगे, मीटर बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल है, धूप में भी बहुत अच्छे से विजिबल है एंड आई होप कैमरा में आ रहा होगा, बिकॉज अभी तो मैं GoPro यूज़ कर रहा हूँ मोनू भैया का एंड उनकी बाइक है, तो स्पेशल थैंक्स टू हिम एंड श्री गणेश ऑटोमोबाइल्स, दैट इज़ यामाहा शोरूम एंड निरसा। तो यामाहा की कोई भी बाइक परचेज करनी हो तो आप यहाँ पर विजिट ज़रूर कर सकते हैं, टेस्ट राइड भी बुक कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आपने देखा एंड आपने देखा कि कितना अच्छा टॉर्क ये बिल्डअप कर लेती है, बिकॉज दिस इज़ MT मास्टर ऑफ टॉर्क। इतना अच्छा टॉर्क प्रोड्यूसिंग इंजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है एंड जब मैं रेव कर रहा था बाइक को अच्छे से तो मुझे हैंडल बार्स पे थोड़े ज़्यादा वाइब्रेशंस मिल रहे थे, वाइब्रेशंस पे थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता है एंड स्पेशली ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। टैंक पे ये आपको छोटा सा लोगो मिल जाता है जो कि कूल लगता है एंड बाइक को राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये एक परफेक्ट सिटी बाइक है, इसको आप कभी कभी हाईवेज पे भी ले जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा इस बाइक के साथ। पावरफुल बाइक राइड की थी, दैट वाज R15 ऑफ कोर्स एंड इसका वीडियो जब भी एक्टिवेट होता है तो आपको पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा पावर है इसके इंजन में। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पिकअप है यार, ट्रस्ट मी, यू हैव टू राइड इट टू बिलीव इट, इतना ज़्यादा अच्छा इंजन इसका परफॉर्म कर रहा है। बाकी बात करें राइडिंग इकोनॉमिक्स की, तो बाइक में जब आप बैठते हैं तो बिल्कुल अपराइट बैठते हैं एंड सीटिंग पोजिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो फुटपैक्स है वो थोड़े से रेयर सेट है, आपको थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स बाइक वाला फील देने के लिए। बाइक का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है समवेयर अराउंड 52 किलोमीटर्स, तो आपको 45 से 50 किलोमीटर्स का माइलेज बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाने वाला है। आप देख सकते हैं बाइक का टर्निंग रेडियस कितना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज दिस इज़ नेकेड बाइक तो टर्निंग रेडियस तो अच्छा होने ही है। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है इस बाइक में, आपको डुअल ब्रेकिंग का सेटअप मिल जाता है, आगे भी डिस्क है एंड पीछे भी डिस्क है, तो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सिंगल चैनल ABS भी है तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, सेफ्टी भी आपको मिल जाती है।
सो मैंने MT-15 को राइड करा एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। ट्रस्ट मी, मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ये मोटरसाइकिल हर एक एक्सपेक्ट में। लाइटिंग मैं आपको नहीं बता सकता लाइट्स कैसे परफॉर्म करती है बिकॉज ये तो आपको रात को ही पता चलने वाले हैं। सो बाकी सब बाइक में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मुझे मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे इंजन से बाइक को राइड करके। बाइक बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है बिकॉज ये आती है समवेयर अराउंड 1.7 लाख। तो बाइक में इतना सारा इक्विपमेंट आपको मिल जाता है, साथ में VVA एंड ऑल, आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाता है, इतने अच्छे रेडियल टायर इसमें आपको पीछे दिए गए हैं। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको एक बार दे देता हूँ बाइक का। सो इस वक्त ये आइडल हो रही है, इंजन से कोई अनवांटेड साउंड नहीं आप सुन सकते हैं। And let us rev it now. So bike redline कर रही है 11,500 RPM पे and अगर आप push करते हैं बिल्कुल redline तक तो थोड़ा सा vibration आपको मिल जाता है footpegs पे, handle bars पे। बाकी आपको कितना अच्छा यहाँ पे fit and finish quality सब कुछ मिलती है आप देख सकते हैं bike में। तो रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब थोड़े से डिटेल्स मैं आपको शोरूम के बारे में दे देता हूँ। सो मैंने MT-15 को राइड करा एंड मैंने पिक किया था ये बाइक श्री गणेश ऑटोमोबाइल्स यामाहा शोरूम निरसा में है। एंड आप यहाँ पे बात कर सकते हैं मोनू भैया से, सारे ऑफर्स एंड सारे डिटेल्स आपको शोरूम के ये दे देंगे। गुड मॉर्निंग, मेरे साथ सत्यजीत चंद्रा जुड़े हुए हैं। क्या यहाँ पर क्या सीन है ना कि आप अगर यहाँ से गाड़ी लेते या कहीं से भी आपका अगर यामाहा बाइक है तो यहाँ पर आपका 24 आवर सर्विस मिलेगा। जो कि एक होता है ये सीन होता है कि अदर शोरूम में 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक सर्विस ओपन रहता है, फिर उसके बाद क्लोज्ड है। बट यहाँ क्या है कि आपका अगर यदि रात में भी गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमारे नंबर पे अगर कॉल कीजिएगा तो वहाँ पर लड़का जा करके आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जिसमें मेरा नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका ओनली फॉर पर्सनली यामाहा बाइक, अदर बाइक भी आपका कहीं कुछ हो जाता है एज ए राइडर, क्योंकि हम राइडिंग करते हैं और राइडर लोग को बहुत दिक्कत होता है सर्विस को लेकर। अगर आप राइडर हैं तो राइडर के लिए तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सर्विस है, जो कि हम पैसा नहीं लेते राइडर लोग के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में और भी मेरे शोरूम का बारे में ऑफर वगैरह आते रहते हैं, तो उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू। सो भैया कहना है कि इस शोरूम से आपको रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है अगर आपको यामाहा बाइक है तो। एक राइडिंग एक पैशन है क्योंकि भैया भी एक राइडर हैं, तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं एंड बाइकिंग ब्रदरहुड कुछ ऐसा ही होता है। सो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी 24 आवर्स आपको असिस्टेंस मिल जाएगा। बाकी आपको शोरूम का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। बाइक परचेज़ करनी हो यामाहा की तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ भी सकते हैं एंड अगर आपको टेस्ट राइड बुक करना है तो आप कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी आपको कोई बाइक देखनी हो, कोई स्कूटी देखनी हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना एंड एक बार और मोनू भैया और शोरूम को बहुत ज़्यादा थैंक्स इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। ये GoPro भी इनका ही है तो कैसा वीडियो आया, कैसा क्वालिटी आया आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय बाय।